नमस्कार दोस्तों, PCS गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 4 जून 2019 का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सा आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिएगा, जिससे जो भी यहाँ से वीडियो बनेंगे, चाहे करंट अफेयर्स के हों चाहे PCS संबंधी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, उसके वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वीडियोज़ देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और फिर 2-4 दिन बाद अगर हम उस वीडियोस को नहीं देखते, उस चैनल के वीडियोस को, तो वो YouTube ऐसा करता है कि फिर वो आपको दिखाता नहीं है। तो कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। हाल ही में तेलंगाना राज्य गठन दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। जो फाउंडिंग डे होता है कब मनाया गया? 3 जून, 1 जून, 31 मई या 2 जून। तेलंगाना राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और इसकी मांग काफ़ी सालों से चल रही थी। सन 2014 में, 2 जून 2014 में, इनफैक्ट एग्जैक्ट डेट है 2 जून 2014 में, तेलंगाना जो था वो आंध्र से अलग हुआ। दोनों में डिस्प्यूट क्या है कि क्या था, मतलब इनफैक्ट तो अलग हो गया है। तेलंगाना को लगता था कि जो भी रिसोर्सेज है आंध्र प्रदेश के, जब तेलंगाना का एरिया जब आंध्र प्रदेश में था, तो तेलंगाना के लोगों को लगता था कि चूंकि आंध्र प्रदेश में कोस्टल इलाका है, वो तट से जुड़ा हुआ है, तो सारा जो पैसा वैसा है वो इनको ही ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और हम बैकवर्ड हैं अभी तक, हमें कुछ ज़्यादा फैसिलिटी मिल नहीं पा रही है। जो गवर्नमेंट जो पैसा जनरेट भी करती है या सेंटर से आता भी है, वो सारा पैसा जो है वो चला जाता है आपके जो आंध्रा के जो तटीय इलाके हैं या जो हैदराबाद टाइप शहर है वहाँ पर चला जाता है। इसको लेकर बहुत बड़ा मुद्दा रहा और फिर 2 जून 2014 को अलग स्टेट बना दिया गया तेलंगाना। और आजकल जो चीफ मिनिस्टर हैं KCR, जिन्हें कहते हैं चंद्रशेखर राव जो हैं, वो हैं अभी फिर से इलेक्शन जीत के दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन गए। इन्होंने अपना इलेक्शन जो था वो 6 महीने पहले प्रीपोन करा लिया था और अच्छा करा लिया मैं तो कहता हूँ, क्योंकि अगर ये अभी 2019 के लोकसभा इलेक्शन के साथ होता तो हो सकता है मोदी वेव में ही हार जाते, जैसे चंद्रबाबू नायडू हारे हैं आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे। तो KCR ने थोड़ा सा अपना समझदारी दिखाई और पहले प्रीपोन करा लिया इलेक्शन को। तो क्वेश्चन ये है कि कब ये फाउंडिंग डे था, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था। अच्छा, तेलंगाना एक चीज़ और बताऊँ आपको ख़त्म करने से पहले, कि तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर विधान परिषद है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी यहाँ पर है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि 6 राज्य बोलते हैं कि जो जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, लेकिन तेलंगाना जो कि नया राज्य है और इसके अंदर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। दो तरह का होता है, विधानसभा और विधान परिषद होता है। जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी तरह से विधानसभा जहाँ पे MLA लोग बनते हैं और विधान परिषद जहाँ पे MLC लोग बनते हैं जाते हैं, ठीक है, MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इंग्लिश में बोलते हैं, या विधान परिषद। ठीक है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन था इसलिए मैंने कहा सा कोरिलेट कर लेते हैं इसको। हाल ही में 2 दिवसीय एलिफेंटा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, एलिफेंटा फेस्टिवल कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो दोस्तों, एलिफेंटा जो है मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ठीक है, एक छोटा टापू है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। और एलिफेंटा नाम भी क्यों पड़ा इसका, क्योंकि जब पोर्चुगीज़ यानी पुर्तगाली लोग हिंदुस्तान आए तो सबसे पहले वो लोग उन्होंने वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने, छोटा टापू है, वहाँ पे मूर्तियाँ बनी, केव्स बने हैं, गुफा बनी है, और वहाँ पे गए तो एलिफेंट की एक मूर्ति देख के इस टापू का नाम एलिफेंटा रखा गया। पुर्तगाली जो आए उन्होंने अपना वहाँ पे एक सैनिक बेड़ा बना दिया वहाँ पे। और जैसे कि पता ही आपको कि जब सैनिक पहुँचते हैं तो उधम चौकड़ी बहुत मचाते हैं, उन्होंने काफ़ी मूर्तियाँ, बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं, वो सब तोड़ी उन्होंने, काफ़ी तोड़ भी दी और अब कुछ बची भी हैं। कहा जाता है कि जो ये मूर्तियां हैं, जो ये एलिफेंटा है, ये राष्ट्रकूटास जो हैं, राष्ट्रकूट जो राजा थे, ठीक है, उन लोगों ने बनाया था। लेकिन बाद में थोड़ा सा रिसर्च हुई और हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है, राष्ट्रकूट नहीं बनाया, बाकी कई लोगों ने मिलके अलग अलग टाइम पे अलग अलग साम्राज्य जब आए उन अलग अलग लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिफेंटा गुफा किसने बनाई, तो राष्ट्रकूट, अगर राष्ट्रकूट आ जाए ना आंसर क्वेश्चन उसमें ऑप्शन में तो लिख दीजिएगा, अगर बहुत डिटेल में आते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चूंकि एक लंबे पीरियड में बना था तो राजकूट ने कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन और राजाओं का और साम्राज्य का और डायनेस्टीज़ का भी कंट्रीब्यूशन उसके अंदर है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो राजकूट कर दीजिएगा एलिफेंटा के लिए। एलिफेंटा का क्या है कि अभी अगर फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया, महाराष्ट्र टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इन्होंने इस चीज़ को किया है।
और मुंबई में हुआ ही, जहाँ पे सब फोक डांस और क्लासिकल जो सिंगर कैलाश खेर, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था गेटवे ऑफ इंडिया पे। एलिफेंटा गुफा के बारे में बताऊँ दोस्तों, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि इसमें और भी हमारे देश में अलग अलग जो साइट्स हैं उसको संरक्षण देने के लिए यूनेस्को ने एक लिस्ट तैयार की है, यूनेस्को को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला जाता है। तो एलिफेंटा की गुफाएँ उसमें आती हैं, ठीक है। एलिफेंटा की जो गुफाएँ हैं वहाँ पर हिंदू धर्म के और बौद्धिस्ट धर्म इनकी गुफाएं हैं, मानी जाती हैं वहाँ पे, हिंदू धर्म के लिए भी हैं और बौद्धिस्ट केव्स भी हैं, हिंदू केव्स भी हैं बौद्धिस्ट केव्स भी हैं, ठीक है। और ये लगभग आज से 2500 लगभग साल पुराना है, मतलब कि जो ईसा पूर्व 200 साल पुराना, ईसा पूर्व 200 मतलब 200 BC से लगभग काम चलता रहा, बीच में काफ़ी टाइम लगा बनने में इसको हुआ। बाकी कुछ मूर्तियाँ बड़ी फेमस हैं यहाँ पे, जैसे कि त्रिमूर्ति, जो शिव की त्रिमूर्ति होती है, जैसे त्रिमूर्ति सदाशिव कहते हैं, जिस थ्री फेस शिवा त्रिमूर्ति, वो यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। नटराज जो लॉर्ड ऑफ डांस है, जो डांस आप देखो साउथ के लोग जो जिस मूर्ति की सामने पूजा करते हैं नटराज, ठीक है, तो वो मूर्ति यहाँ पाई जाती है। योगेश्वरा जो है लॉर्ड ऑफ योगा, ये मूर्ति यहाँ पाई जाती है। तो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियाँ यहाँ पर मिलती हैं एलिफेंटा गुफा में, ठीक है। त्रिमूर्ति, ठीक है, शिवा की त्रिमूर्ति है तीन फेस वाली, नटराज की मूर्ति यहाँ मिलती है और आपकी योगेश्वर मिलती है। तो है शिव भगवान की, लेकिन ये तीन इनके अलग अलग मूर्तियाँ यहाँ पे मिलती हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स और खासकर पीसीएस वगैरह में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर त्रिमूर्ति के बारे में पूछा जाता है कि त्रिमूर्ति कहाँ मिलती है, एलोरा मिलती है, अजंता में मिलती है, एलिफेंटा में मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं राष्ट्रकूटास ने किसने बनाया, तो अगर ऑप्शन में है तो राष्ट्रकूटास लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सतीश चंद वर्मा को किस राज्य के नए एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? एडवोकेट जनरल क्या होता है? एडवोकेट जनरल देखिए दो तरह की चीज़ होती हैं, अगर हम पॉलिटी का क्वेश्चन भी है, एक होता है अटॉर्नी जनरल, एक होता है एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ एडवाइज़र होता है, कानूनी सलाह देने वाला व्यक्ति जो होता है सरकार को, मोदी सरकार है, मोदी सरकार को जो सलाह देगा, कानूनी सलाह देगा, ठीक है, वो उसे कहा जाएगा अटॉर्नी जनरल। जो राज्य सरकार को सलाह दे, ठीक है, उसे कहा जाएगा एडवोकेट जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल सेंटर में, एडवोकेट जनरल स्टेट में। जो हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं हमारे इंडिया के, मैंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मोदी सरकार को जो सलाह देते हैं, उनका नाम है के वेणुगोपाल, ठीक है। और जो अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिस सतीश चंद जी है, सतीश चंद जी हैं वो एडवोकेट जनरल बने हैं कहाँ, किस राज्य के? छत्तीसगढ़ के बने, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? तो अटॉर्नी जनरल सेंटर में, एडवोकेट जनरल स्टेट में। क्वेश्चन के हिसाब से सतीश वर्मा बने हैं छत्तीसगढ़ के। अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी में राघवेंद्र सिंह जो हैं, सीनियर काउंसिल राघवेंद्र सिंह, वो हैं आपके एडवोकेट जनरल, ठीक है। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है पॉलिटिक इसी में कि कौन से आर्टिकल में एडवोकेट जनरल का जिक्र किया गया है, तो वो है आर्टिकल 165। कहीं पूछा जाता है पॉलिटी वगैरह मोशन में, ठीक है। तो आर्टिकल 165 में कहा गया कि भाई एक हर स्टेट का एक एडवोकेट जनरल होगा जो सरकार को कानूनी मुद्दे पे सलाह देगा। आर्टिकल 76(1) क्या बोलता है, देखिए वो कहता है कि जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति हैं, वो एक अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करेगा। तो अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो आर्टिकल 76 में उसकी जिक्र होता है, एडवोकेट जनरल की बात करते हैं तो आर्टिकल 165 में जिक्र होता है। चलिए अटॉर्नी जनरल से जुड़ा एक सवाल और बताता हूँ आपको मैं। अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है, ये तो एक ऑफिसर है, ठीक है, पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होता है, बट ये लोकसभा या राज्यसभा में जा सकता है, वहाँ की बहस सुन सकता है, अपनी राय रख सकता है, अपनी बातें बता सकता है, बट कभी वोट नहीं कर सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जा सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में मेंबर तो नहीं होता लेकिन जाता है, वहाँ पे बैठता है, कुछ सवाल के जवाब देने होंगे तो सवाल का जवाब भी देता है, बट कभी भी वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो मेंबर नहीं है, ठीक है। दूसरा एक और अच्छा क्वेश्चन आता है अटॉर्नी जनरल का कि अटॉर्नी जनरल प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस, भाई ये वकील होते ना, तो ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं बेशर्ता कोई ऐसा केस ना ले जिसमें सरकार के खिलाफ ही इनको कार्रवाई करनी पड़े, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है अटॉर्नी जनरल, बिल्कुल कर सकता है, बट वो सरकार के खिलाफ नहीं लड़ेगा। तो चार पांच क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सब कवर कर लिया इस टॉपिक के में।
हाल ही में किस देश की टीम ने 21वां यूएसआईसी विश्व रेलवे टेनिस टूर्नामेंट जीता है? इंडिया ने, स्लोवाकिया ने, चेक रिपब्लिक ने या फ्रांस ने? तो दोस्तों ये यूएसआईसी विश्व रेलवे टेनिस टूर्नामेंट हुआ वो इंडिया ने जीता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। हाल ही में देश की सबसे अधिक लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है? IOC, HPCL, ONGC कौन सी है? नन ऑफ दिस। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसके इस समय जो इनके CEO हैं वो शशि शंकर हैं। ठीक है, शशि शंकर हैं इसके। और इसका ONGC का काम होता है तेल को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, तेल निकालना, उनका रिफाइन करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना, गैस को भी इस तरह से उनका एक्सट्रैक्शन करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। इंडिया की बहुत अच्छी कंपनी है ONGC, बहुत अच्छी कंपनी है। लोग और बहुत बढ़िया काम इसमें ONGC में जो लोग एम्प्लॉय भी होते हैं वो बड़ा अच्छा काम, उनको बड़ा फैसिलिटी वगैरह मिलती है ONGC के बारे में। चलिए एक और कदम आगे बढ़ते हैं। ONGC एक महारत्न कंपनी है, सुना होगा आपने, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, ये गवर्नमेंट ने कंपनियों को इसमें कैटेगराइज किया हुआ है। कुछ कंपनी को महारत्न कहा है, कुछ कंपनी को नवरत्न कहा है, कुछ कंपनी को मिनी रत्न कहा है। ये ऐसा क्यों कहा है? देखिए, कंपनी को कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि इस समय जो महारत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां, ये बड़ी कंपनियां हैं, महामिस बड़ी कंपनियां हैं जिससे प्रॉफिट ज़्यादा होता है। क्राइटेरिया क्या रखा है कि पिछले 3 साल में 2500 करोड़ का नेट प्रॉफिट होना चाहिए, 2500 करोड़ का आपको प्रॉफिट होना चाहिए। अब जब कंपनी कोई कंपनी, जब महारत्न कंपनी बनती है, अब चूंकि ये सब सरकारी कंपनियां हैं, सरकार का स्टेक इसके अंदर है, लेकिन जब ये कोई कंपनी महारत्न कंपनी बन जाती है तो सरकार उसको लिबर्टी देती है कि आप विदेशों में जाके या बिज़नेस करोगे तो उसको बिज़नेस करने की अपनी फ्लैक्सीबिलिटी देती है, फैसले लेने की फ्लैक्सीबिलिटी देती है। ठीक है, अब जो महारत्न कंपनी है तो उसको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वो जाके अपने बिज़नेस के हिसाब से बिज़नेस कर सकती है। जो नवरत्न होगी उसको थोड़ा कम फ्लेक्सिबिलिटी मिली है, जो मिनी रत्न है उसको थोड़ा कम मिली हुई है। क्योंकि अभी छोटे हैं, उनको संरक्षण की ज़रूरत है। तो चूँकि महारत्न कंपनी है, उसके प्रॉफिट ज़्यादा है, उसका एक्सपोज़र ज़्यादा है, वो उसकी प्रेजेंस ज़्यादा है, तो ये कंपनी अपने फैसले अपने हिसाब से ले नहीं सकती। सरकार बात सरकार के उसको जाने सरकार के पास जाके राय मशवरा करने के लिए, मतलब एक सर्टेन लेवल पे 15% जितना भी इनका नेट इनका वैल्यूएशन होता है उसका 15% तक का वो बिज़नेस कोई होगा, डील होगी तो फाइनल कर सकती, सरकार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन सी महाकंपनियाँ महारत्न हैं, जैसे कि NTPC है, ONGC है, सेल है, BHEL है, IOCL है, CIL है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गेल है और HPCL है। ये याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, कई बार छोटे एग्जाम से भी पूछा जाता है, और साथ में नवरत्न कंपनीज के भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में किस राज्य ने आपकी बेटी योजना के तहत लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाया है? आपकी बेटी, क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट है कि आपकी बेटी योजना कहाँ चलती है, वो कई बार सवाल पूछा आता है। यूपी गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं, UPPCS की बात करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि UPPCS में जो वही सवाल पूछा जाए कि जो यूपी गवर्नमेंट में जो चल रही होती है योजना वही पूछा है। कई बार इधर उधर के जो योजनाएं होती हैं जो बहुत फेमस होती हैं वो पूछा आता है। तो आपकी बेटी योजना जो है वो राजस्थान में चल रही है इस समय, और कुछ और योजनाएं भी हैं जैसे कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना, ये राजस्थान में है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, ये बिहार में है, ये सब लड़कियों जुड़ी हुई योजनाएं हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली योजना है, ये MP UP में चल रही है। तो थोड़ा सा योजनाओं के बारे में फिर से कभी वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, फिलहाल आप समझिए कि आपकी बेटी योजना जो है राजस्थान में है। ठीक है, और ये 3 योजनाएं ये भी हैं। हाल ही में किसके कार्यकाल को 5 वर्ष और बढ़ाया गया है? किसके कार्यकाल को 5 साल का एक्सटेंशन और दे दिया गया है? अमिताभ कांत, अजीत डोभाल जी, सतीश रेड्डी या कोई नहीं? देखिए, अभी मोदी गवर्नमेंट आई है, मोदी 2.0 आए हैं, और इन्होंने अपने चहेते ऑफिसर अजीत डोभाल, जो पूर्व IPS अधिकारी हैं और पहले मोदी 1.0 में ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उनको उन्होंने दोबारा एक्सटेंशन देते हुए, ये रिटायर हो चुके हैं, इनकी एज 60 साल क्रॉस है, रिटायर्ड IPS हैं, लेकिन इनका काम बहुत अच्छा है, इनको सुपर कॉप भी कहा जाता है। तो इनको ये चूंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, मतलब देश की सिक्योरिटी में ये एडवाइस देते हैं कि क्या होना चाहिए, सरकार को एडवाइस, जैसे कि अटॉर्नी जनरल होता है उसी तरह से ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, आपको सुरक्षा के लिए ऊपर देते हैं। और अजीत डोभाल के ऊपर मैं एक एपिसोड शूट करूंगा, अजीत डोभाल के बारे में जानना, वैसे कई लोगों ने जानते होंगे, लेकिन इनके कुछ
अंदरूनी किससे बड़े फेमस हैं, जो कि जब ये पाकिस्तान गए वहाँ पे ऐसा जासूस की तरह काम किया, इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार में बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। तो एक सीरीज़ में लेकर आ रहा हूँ, उसमें आपको इंडिया के जो टॉप बड़े फेमस किस्से हैं उसके बारे में जिक्र करूँगा। अभी समझिए कि अजीत डोभाल को 5 साल का एक्सटेंशन दिया है सरकार ने, और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने मेट्रो बसों में महिलाओं के मुफ्त सफ़र करने की घोषणा की है कि महिला और मेट्रो और पुरुष सॉरी महिला जो हैं मेट्रो में और बसों में फ्री में ट्रैवल कर सकती हैं। तो ये जो योजना है, चूंकि इलेक्शन आने वाला है, 6 महीने बाद इलेक्शन है, तो ये योजना केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में की है। तो दिल्ली में जितनी महिलाएँ हैं वो मेट्रो और बसों में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकती हैं। ये अलग बात है कि जो महिलाएं हैं वो कहती फ्री में मत कराओ, लेकिन जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा इसको इन्हेंस किया जाए, इसको बढ़ाया जाए। लेकिन फ़िलहाल चूँकि दिल्ली में सब आपका इलेक्शन होने वाला है, तो इस तरह की फ्रीबीज जो होती हैं, जो फ्री फंड के जो वादे किया था, वो सब इस दौर में होता है। 6 महीने बाद इलेक्शन है, तो इम्पोर्टेंट है दिल्ली में ऐसा बोला गया है। हाल ही में नाब बुकले ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखिए पीसीएस विशेष में ना बड़ा अजीब गरीब सवाल पूछते हैं, ऐसे व्यक्ति का नाम पूछ लेंगे कि बंदा कौन था, ऐसी कंट्रीज़ के राष्ट्रपति का नाम पूछ लेगा जो नया नया आया है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी जैसे यही है कि नायब बुकले को इस इन्होंने एक कंट्री में एज अ प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। वो कौन सी कंट्री है? पेरू, एल सेल्वाडोर, मैक्सिको या नन ऑफ दीज? तो बुकले साहब ने एल सेल्वाडोर में राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। अब एल सेल्वाडोर है कहाँ? मुझे पता 90% लोगों को तो ये नहीं पता होगा एल सेल्वाडोर है कहाँ, सुना ही नाम नहीं सुना होगा। तो एल सेल्वाडोर आपका सेंट्रल अमेरिका में है, सेंट्रल अमेरिका में, ये देखिए ठीक है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, और ये सेंट्रल अमेरिका में है, जहाँ पे आपको ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ, अगर आपने नाम सुना होगा, तो ये सब कंट्रियाँ साथ में हैं, ठीक है। वहाँ के ये नए राष्ट्रपति बने हैं, एल सेल्वाडोर, छोटा सा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री नहीं है। हाल ही में किस राज्य ने रायतु बंधु योजना का विस्तार किया है? रायतु बंधु योजना, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना या नवदेश? दोस्तों जो रायतु बंधु योजना है, ये किसानों को हेल्प करने वाली योजना है जो तेलंगाना गवर्नमेंट चला रही है। इसमें किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, बड़ी अच्छी योजना है, जिसमें ज़मीन होने के बावजूद भी एक तरह से उनकी हेल्प किया जाती है, सालाना उनको 8,000 रुपये दिया जाता है, ठीक है। 8,000 रुपये इसी का कॉपी की है मोदी गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे हर किसान को। तो इस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा है कि किसान, चूँकि खेती थोड़ी खेती इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रह गया है, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली मुझे लगता है कि खेती के ओवरऑल स्ट्रक्चर को ठीक करने की ज़रूरत है, एक सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। किसान को फ्री में पैसा नहीं चाहिए, लेकिन किसान अगर अपनी मेहनत का ही पैसा उसको ढंग से मिल जाए, उसको और उसको फैसिलिटी ढंग से मिल जाए, तो वो इनसे इन पैसे से ज़्यादा कमा सकता है। फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से रायतु बंधु योजना तेलंगाना की योजना है, जिसमें किसानों को एक 8,000 रुपये का सालाना हेल्प दिया जाता है, और इसी योजना के तहत पे मोदी सरकार ने नया जो 8-6 हज़ार रुपये का जो किसानों को पैसा देने की बात हुई, उस पर चलती है ये, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, इतने करंट अफेयर्स थे। ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से बता दूं आपको कि ऑनलाइन कोर्स UPPCS के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें UPPCS 2019 की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF फाइल मिलेंगे, डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं, डेली टेस्ट आपके होते हैं, दिन में 2 से 3 टेस्ट आपके होते हैं, ठीक है। 1 जून से नया बैच स्टार्ट किया गया था, फीस बहुत ही नॉमिनल है, मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ की फीस है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।